गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारे पास फंक्शन है कोई भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इसका ग्राफिकली आ जाएगा आपके पास पैराबोला। अगर हम यहाँ पे ओरिजिन से राइट साइड चेक करें अलोंग द ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअली आपके पास ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअली इंक्रीज होगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्या आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग है फॉर ऑल द वैल्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो। अदरवाइज हम जहाँ पे बात करें फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो यहाँ पे हमारे पास व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्राफ, तो आपके पास क्या हो रही है, आपके पास जो हाइट है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, आपके पास ये फंक्शन क्या आपके पास यहाँ पे डिक्रीजिंग है फॉर ऑल द वैल्यूज एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो इसी तरह हम मैथमेटिकली इसकी अगर डेफिनेशन देखें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो आपके पास क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है आपने इंटरवल ले लेना आई इन द डोमेन ऑफ f, तो हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, फॉर ऑल द वैल्यूज x1 और x2 बिलोंग्स टू इंटरवल i। अगर आपके पास x2 x1 से आपके पास ग्रेटर है और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे x2 पे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए fx1 से, तो हम कहेंगे हमारे पास फंक्शन क्या है, आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के केस में यहाँ पे आपके पास इक्वल टू भी आ जाएगा, fx2 आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एफ एक्स वन से, व्हेन आपके पास एक्स वन से आपके पास एक्स टू क्या है, ग्रेटर है। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन में, डिक्रीजिंग में आपके पास क्या होगा, कोई भी टू वैल्यूज है जहां पे एक्स टू अगर एक्स वन से ग्रेटर है बट फंक्शन की वैल्यू आपके पास ओपोजिट हो जाएगी, जहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन पे ग्रेटर हो जाएगा एफ एक्स टू से, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरह डिक्रीजिंग केस में ओनली डिक्रीजिंग होगा अगर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू वाला सिंबल आ जाएगा, अगर x2 x1 से आपके पास ग्रेटर है बट fx1 क्या हो जाए, fx2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए, तो हम कहेंगे आपके पास ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ग्राफिकली आपके पास जैसे इस टाइप का फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, कॉन्टिन्यूली इंक्रीज कर रहा है, ये आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसको हम डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व करेंगे, फंक्शन कौन सा फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग होगा और कौन सा डिक्रीजिंग। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूज होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी, और मान लो डिफरेंशिएशन होना चाहिए इन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो आप कहोगे फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग कब होगा, इन क्लोज इंटरवल ए बी, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए एंड बी। इसी तरह डिक्रीजिंग कब होगा आपके पास, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाए आपके पास, लेस देन जीरो फॉर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। और कॉन्स्टेंट फंक्शन कब बोलेंगे आपके पास, व्हेन एफ डैश एक्स आपके पास उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, तो हम कहेंगे फंक्शन आपके पास कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवेंटी इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, हमने चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास इसका डेरिवेटिव करोगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री एक्स का थ्री, सेवनटीन कॉन्स्टेंट फंक्शन है मतलब जीरो, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, थ्री आ गया, तो विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास थ्री क्या है, जीरो से ग्रेटर है आपके पास फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो एक्स सारी रियल वैल्यूज के लिए आपके पास ये फंक्शन क्या आ गया, आपके पास ग्रेटर आ गया जीरो से, अगर जीरो से आपके पास ग्रेटर था उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम क्या कहते हैं फंक्शन क्या आपके पास इंक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन क्या आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा फॉर आर रियल वैल्यूज के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, आपके पास सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, हमने प्रूव करना है ये आपके पास इंक्रीजिंग है इन इंटरवल जीरो टू पाई बाय टू,
डिक्रीजिंग है इन इंटरवल पाई बाई टू से पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल जीरो से पाई। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपली है आपके पास विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ गया। तो कॉस एक्स के बाद इसको हम ग्राफिकली थोड़ा देख लेते हैं। कॉस एक्स का हमने ग्राफ किया था, आपके पास इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से इसका ग्राफ आ जाएगा आपके पास। मान लो जहां पे वैल्यू आपके पास ये जीरो है, जहां पे जीरो, जहां पे आपके पास पाई बाई टू पे वैल्यू इसकी जीरो आ जाएगी, और ये वाला पॉइंट मान लो आपके पास पाई है, ये वाला पॉइंट आपके पास पाई आ जाएगा। तो जीरो पे वैल्यू इसकी क्या होती है आपके पास वन हो जाएगी, पाई बाई टू पे जीरो, और पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन। ग्राफिकली अगर चेक करें फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू के बिटवीन देखना है हमने, तो जीरो से पाई बाई टू के बिटवीन ये फंक्शन आपके पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, जीरो से आपके पास ग्रेटर है फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में आपके पास फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू के बिटवीन। इसी तरह अगर हम ग्राफिकली देखें फ्रॉम पाई बाई टू से पाई बाई पाई तक, तो जहां पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, जहां पे ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल पाई बाई टू से पाई के बिटवीन। अगर पूरे इंटरवल में देखें फ्रॉम जीरो से पाई तक, तो आपके पास क्या आ रहा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में तो ये पॉजिटिव आ रहा है, जीरो और पाई बाई टू के बिटवीन पॉजिटिव आ रहा है, और पाई बाई टू से पाई के बिटवीन नेगेटिव, तो साइन क्या हो रहा है इसका, चेंज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन आपके पास क्या है फ्रॉम द इंटरवल आपके पास जीरो से पाई के बिटवीन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन वाई, फंक्शन किस टाइप का आपके पास, माइनस टू एक्स की क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल में ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग होगा या किस में डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वही मेथड था विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी माइनस सिक्स एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे पावर आगे आएगी 19 का, 2 से मल्टीप्लाई करें 9 को 18 एक्स, 12 एक्स का आपके पास 12, वन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो इसका डेरिवेटिव आ गया। इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, मान लो माइनस सिक्स को कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आगे इसके और सिंपलीफाई कर देते हैं थोड़ा, इसको फैक्टर बना लेते हैं इसके आपके पास माइनस सिक्स, तो फैक्टर आपके पास इसके कौन से बन जाएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो इसके आपके पास फैक्टर बन गए। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन आपके पास किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन पे हम इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं, आप जहां से इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर एफ एड एस एक्स को हम जीरो पे इक्वल करेंगे तो इसके पॉइंट आ जाएंगे आपके पास, इक्वल टू जीरो करने के बाद आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन और माइनस टू। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो जहाँ पे आपके पास माइनस टू आ गया, जहाँ पे माइनस वन आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये ग्राफ है इसके कितने इंटरवल में आपके पास ये पार्टी हो गया, थ्री इसके इंटरवल बन गए, 1 2 3 जहाँ पे। तो इसको चेक करने का मेथड क्या है, हम जहाँ पे नंबर लाइन पे आपने नंबर रिप्रेजेंट किए, हम क्या करेंगे जहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो माइनस वन से ग्रेटर वाले में, इसमें हमने देखना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो माइनस वन से बड़ा कोई भी नंबर हम इसमें पुट कर देते हैं इस वाले में, तो माइनस वन से बड़ा मान लो जहाँ पे कहीं जीरो है, जीरो इसमें रख देते हैं, तो एक्स की जगह जीरो रखोगे क्या आ जाएगा आपके पास, जहाँ पे माइनस सिक्स था, जहाँ पे एक्स की जगह जीरो जीरो में वन ऐड करें वन आ जाएगा। इसी तरह जहाँ पे आप एक्स की जगह जीरो रखोगे जीरो प्लस टू टू आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया माइनस ट्वेल्व आ गया।
तो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये पार्ट आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव। अदरवाइज ये अल्टरनेटिव आपके पास चलते जाएंगे, ये नेगेटिव है आपके पास, ये कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव अल्टरनेटिव। अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसके बिटवीन कोई पॉइंट ले सकते हो, आपने वहां पे निकाल लेना है फंक्शन की वैल्यू जहां पे पॉजिटिव आएगी इसकी या नेगेटिव। इसी तरह -2 से कम बड़ा कोई पॉइंट पुट करके भी चेक कर सकते हो। तो जहां से हमें क्या मिला, जहां से हमें यहाँ पे ये पता चलेगा भी इसकी वैल्यू आपके पास जहां पे ये नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव में आपके पास फंक्शन क्या होगा, जो आपके पास है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में होगा, जहां पे जैसे ये वाले इंटरवल में आपके पास नेगेटिव आ रही है तो वैल्यू इसका मतलब ये डिक्रीजिंग होगा -20 से लेके -2 के बिटवीन, और डिक्रीजिंग जहां पे नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब -1 से लेके इनफिनिटी तक भी फंक्शन क्या है आपके पास है डिक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव कहां पे आ रही है, इस इंटरवल में, तो आपके पास फ्रॉम -2 से -1 ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो ये इसके इंटरवल है आपके पास, ये इंक्रीजिंग वाला हो गया, ये डिक्रीजिंग वाले हो गया आपके पास। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सो डैट द फंक्शन y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2xy 2 प्लस x x ग्रेटर देन -1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स मेन। इसमें हमने क्या चेक करना है, हमने जो चेक करना है ये वाला फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है किस कंडीशन के लिए, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1। इसके लिए हम चेक करेंगे फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है किस कंडीशन के लिए, जब x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर हो -1। तो सेम है आपके पास, कैसे चेक करते थे हम, क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे dy/dx रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव करेंगे log 1 प्लस x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x। इसी तरह इसमें, इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे हम, u/v फॉर्म वाला लगा देंगे। इसमें क्या था आपके पास v की स्क्वायर आ जाती थी, इसका मतलब 2 प्लस x की स्क्वायर आ जाएगी, v एज इट इज था तो इसको एज इट इज लिख लो 2 प्लस x को, और u का डेरिवेटिव -2x का आपके पास डेरिवेटिव किया आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद माइनस, तो आपने u एज इट इज लिख लो 2x एज इट इज, और v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस आपके पास 2x माइनस 2x, और नीचे आपके पास 2 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो 2x से आपके पास ये 2x कट जाएगा, आपके पास क्या बचा है जहाँ पे फंक्शन में, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, नीचे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं और ये ऊपर चला जाएगा जहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये जहां चला गया ये जहां पे नीचे आपस में कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको आगे से 2 प्लस एक्स की होल की स्क्वायर, और यहां पे माइनस 4 1 प्लस एक्स, और नीचे आपस में हो जाएंगे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स के होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर दो यहाँ पे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर को ओपन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4x, इस स्क्वायर को ओपन किया। इसके बाद हमारे पास इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे, आपके पास क्या आ जाएगा -4 एंड -4x, नीचे आपके पास इस तरह लिख लो 1 प्लस एक्स
और आपके पास है 2 + x² तो यहाँ पे क्या कट रहा है, -4x से 4x कट जाएगा, -4 से 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, तो विच इज इक्वल टू आपके पास है x² y 1 + x एंड 2 + x² अब हमें ये प्रूव करना है, ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है किस कंडीशन के लिए, जब x की वैल्यू आपके पास -1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली वैल्यूज होगी आपके पास x² वाली और नीचे ये वाली 2 + x² तो यहाँ पे क्या आ रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो जिस नंबर का किसी का भी स्क्वायर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमारे पास हमेशा क्या आएगी, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, ये वाली वैल्यू भी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, बिकॉज यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा ऑलवेज क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। तो हमने कंडीशन इसका मतलब किस पे लगानी है, अब हमने ये वाला चेक करना है भी ये ग्रेटर कब होगा, 1 / 1 + x, बिकॉज ये तो ऑलवेज आपके पास ग्रेटर देन 0 ही आएंगे। तो इस पे हमने कंडीशन जहाँ पे चेक करेंगे, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 किस कंडीशन के लिए होगा, जे ग्रेटर 0 कब होगा, जब ये वाला पार्ट भी आपके पास 0 से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 + x आपके पास क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब x क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन -1। तो यही हमने प्रूव करना था, फंक्शन अगर आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1, तो ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दी। तो सारे क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ईजी रहेंगे, आपने क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जो भी कंडीशन दी होगी आपने उसके अकॉर्डिंग आगे उसको सॉल्व कर देना। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 था आपके पास, तो आपका हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 था आपका हो गया डिक्रीजिंग है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास है प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, 0 से π/2 तक, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फ्रॉम π/2 से π तक। तो इसको भी कैसे चेक करेंगे हम, सिंपली इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स है, लॉग का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 1/x आ जाता है, जहाँ पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स आ गया, और कॉस एक्स का आपके पास क्या आ जाएगा, -sin x। तो आपके पास -sin x / cos x आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, विच इज इक्वल टू sin y cos आपके पास क्या आ जाएगा, tan x, आगे माइनस है तो माइनस लगा देते, अब आपके पास ये tan x आ गया। इसको भी हम ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, ग्राफिकली आप क्या उससे देखते थे, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था आपके पास, ये थर्ड था और यहाँ पे फोर्थ था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके पास tan क्या होता है, पॉजिटिव, और आपके पास है थर्ड में, tan किस किस में पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में, जहां पे नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ पे देखना है किस इंटरवल में, फर्स्ट देखना है 0 से π/2, ये आपके पास इसमें कौन से आ जाते हैं, अप टू π/2 तक, इसमें कौन से आ जाते हैं आपके पास π - θ वाले, इसमें π + θ वाले आ जाते हैं आपके पास, इसमें 2π - θ वाले, इसमें π/2, इसमें आपके पास थे 11th क्लास में आपने इसको स्टडी किया होगा π/2 - θ वाले। तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट इंटरवल है 0 से π/2 के बिटवीन सारे इस इंटरवल में आ जाएंगे, इसमें टैन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब टैन क्या होएगा, पॉजिटिव, बट आगे आपके पास क्या लिख रखा है, नेगेटिव लग रखा है, तो इसका मतलब टैन तो पॉजिटिव होगा, आगे क्या आपके पास यहाँ पे ये नेगेटिव मेंशन है यहाँ पे ये वाला, तो ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है आपके पास। तो इस इंटरवल में आपके पास 0 से π/2 के बिटवीन में आपके पास ये वाला एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, जहां पे -tan x था, जो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, <0 आ रही है, इसका मतलब ये क्या आपके पास डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, फ्रॉम 0 से π/2।
उसके बाद हमने इसमें देखना था ये फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसमें, फ्रॉम माइनस फ्रॉम पाई बाय टू से पाई तक। इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, सेकंड में। सेकंड में आपके पास टैन क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में टैन क्या होगा आपके पास है, नेगेटिव। तो ये आपके पास है नेगेटिव होगा, तो आगे भी आपके पास यहाँ पे क्या लग रखा है, नेगेटिव है, तो इसको देखते हैं, तो नेगेटिव है आगे ये वाला, और टैन भी सेकंड में क्या होगा, फ्रॉम पाई बाय टू से पाई के बिटवीन नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब इसमें फंक्शन की वैल्यू आपके पास उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब जीरो से ग्रेटर आ रही है। अगर जीरो से ग्रेटर दिया हम कहेंगे फंक्शन क्या है, जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया कि आपके पास जो ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, फ्रॉम जीरो से पाई बाय टू, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फ्रॉम पाई बाय टू से पाई तक। तो सारे जो इस एक्सरसाइज के आपके पास क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, आपने क्या करना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको चेक करना है। अगर तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर आ जाए तो आपका हो गया फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अदरवाइज फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से लेस आ जाए तो आपका हो गया ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो इसके बाद सभी बच्चों ने इसका होमवर्क असाइनमेंट है कंप्लीट करनी है। थैंक यू।